मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, इन आरएसएस के लोगों से, इनके परिवार वालों से कि तुम मुझे बता दो इस देश में इनकलाब जिंदाबाद का नारा तुम्हारे बाप ने दिया था या मुसलमानों ने दिया था। आज तुम वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हो। कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम जो पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन आज मुस्लिम महल्ले में जाकर एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में भगवा झंडा, तिरंगा झंडा एक हाथ में, एक हाथ में झंडा लेकर के जाकर के मुसलमानों के मुंह में अपनी जुबान डालकर कहते हैं कि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं कि मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। याद रखना दोस्तों, जिनको पाकिस्तान जाना था चला गया वो पाकिस्तान जा। हम बाई च्वाइस है, बाई चांस नहीं है हिंदुस्तान में। जो मुसलमान हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। इस देश में भारत छोड़ो का नारा देने वाला आरएसएस का नहीं था, वो मुसलमान था यूसुफ मेहर अली जिसका नाम था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी, तुम क्या दोगे? हमारे पुरखों ने जय हिंद का नारा दिया था जिसका नाम था हाफिज हसन साफरानी। तालियां बजाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुलशिता हमारा, ये किसने नारा दिया था? अल्लामा इकबाल ने दिया था, वो भी मुसलमान था। मादरे वतन भारतवर्ष की जय का नारा देने वाला 1857 में अजीम खान था, अजीम उल्लाह खान, वो भी मुसलमान था। अरे एक तो बताओ तुमने क्या किया? तुमने अंग्रेजों के तलवे चाटे और कहा कि जेल की सलाखों से छोड़ दो, हम आकर गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को मटिया मेल कर देंगे। तुमने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है और आज गद्दी पर बैठ गए हो तो तुम्हारा दिमाग खराब है? झंडे तिरंगे झंडे का रंग किसने दिया? बाला साहब ठाकरे ने दिया क्या? किसने दिया मालूम है आपको? पता है आपको किसने दिया तिरंगे झंडे का ये रंग? वो रंग देने वाली भी सुरैया तैयब अली जी तैयब जी थी, वो भी तालियां बजाओ आप लोग। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।